बार फिर तुहाडे नाल अज आप हैगे ने साडे सतारा सैक्टर के ऑफिस से विनय हैरी एजुकेशन कंसलटेंट तो मेरे नाल हैगे ने भुपिंदर जी ते नाल उन्होंने वाइफ परमजीत कौर जी। अज आप एक लाइव वीडियो कर रहे हैं, लाइव वीडियो ये करके है तुहानू दिखाना चाहते हैं कि अज भुपिंदर जी ते परमजीत जी का ते नाल उन्हां दी डॉटर का वीज़ा आया है, कैनेडा का टूरिस्ट वीज़ा हैगा। लोगों की बहुत सारी क्वेरी सी साडी टूरिस्ट वीज़ा के रिगार्डिंग, और मैं जिस तरह पहली भी लाइव होया सी और तुहानू इह चीज़ दसी सी कि आप एक रिजल्ट से काम करते हैं, जो टीम रिजल्ट लेके आ जाती है, रिजल्ट आने के बाद आप चीज़ को प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। अज रिजल्ट आ चुके हैं और जिस तरह के मैं तुम्हें प्रोमिस किया कि रूबरू होवांगे, लाइव वीडियो से होवांगे और तुम्हें वीडियो शेयर करांगे, जिन्हें भी बंदे का वीजे आए हैं वो एक एक करके तुम्हें दिखाने की कोशिश करांगे। अज मेरे नाल भुपिंदर जी है, भुपिंदर जी सत श्री अकाल जी, परमजीत जी सत श्री अकाल जी, कि लग रहा तुम्हें थोड़ा जि अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, किस तरह थोड़ा पूरा फाइल प्रोसैस कितना टाइम लग गया तुम्हें, ज़्यादा मेरी टीम वालों कोई दिक्कत हुई? नहीं सर, सारे ने बहुत सपोर्ट किया, तो सारी मेरी 17वें दिन वीज़ा आ गया जी साडा जी, सारी टीम ने बहुत बढ़िया साडे नाल। आप पहले एक वीज़ा दिखा दीजिए, जिस तरह वीज़ा आया है ये इन्हां दी बच्ची का वीज़ा आएगा मेरे हाथ से? नहीं मेरे जी। अच्छा, आ भुपिंदर जी का वीज़ा आएगा और आ तुसीं देख सकते हो वीज़ा लगे हुए ने, मैडम तुसीं भी दिखा दो वीज़ा, अपनी फैमिली का वीज़ा लग गया है, जिन्हें टाइम की पासपोर्ट की वैलिडिटी है उन्ने टाइम का वीज़ा लग गया है। लोगों को मालूम नहीं होता है, बहुत लोगों को चीज़ों को डाउट है वीज़ा रिगार्डिंग, किस तरह वीज़ा लगता है, की प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगता है, वो चीज़ा तुम ऑफिस आके साथ क्लीयर कर सकते हो, साडे काउंसलर्स बैठे हैं, एक्सपर्ट टीम बैठी है थोड़े आंसर्स करने वास्ते। भुपिंदर जी कितना का टाइम लग गया पूरे प्रोसेस में? 17 दिन के अंदर वीज़े आए हैं और आज इन्हों के पासपोर्ट की वैलिडिटी अगर मैं देखा तो भुपिंदर सिंह जी की पासपोर्ट की वैलिडिटी 2019 तक हैगी है, तो 2019 तक का वीज़ा लग गया है। परमजीत जी के पासपोर्ट की वैलिडिटी 2023 तक है, 2023 तक वीज़ा लग गया है, और इन्हों की बेटी का जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है 2018 तक ही है, 2018 तक का वीज़ा लग गया है। ये फैमिली वीज़ा हैगा, विजिटर वीज़ा जिन्होंने कहें, विजिट कर जा रहे हैं, इन्हों की फैमिली उत्थे रहती है, आई गेस ब्रदर रहते हैं, सिस्टर रहते हैं, इन्हें ब्रदर और सिस्टर कैनेडा से रहते हैं, उन्होंने मिलन जा रहे हैं, मोटिव क्लीयर हैगा, इंटेंशन क्लीयर है, अज इसी करके एम्बेसी वालों इन्हों तो वीज़ा मिलया है और वीज़ा अप्रूव होया है। बहुत बहुत बधाई देवगा पूरी फैमिली को कि थोड़ा वीज़ा लग गया है, और जिस तरह भी मैं कह रहा सी लोगों जिन्ना भी व्यूवर्स है साढ़े नाल जुड़े हुए हैं, जो भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, अज साडे वालों एक मुहिम हैगी है कि आप कोई पहला पैसा नहीं देते हैं, तो भुपिंदर जी थोड़े तो सवाल है कि पहले पैसा लिता नहीं? सर साढ़े तो पहला कोई पैसा नहीं लिता गया, सारी पेमेंट आफ्टर वीज़ा की थी। एम्बेसी फीस किने पे की? सर वो भी आफ्टर वीज़ा जी। किने पे की? सर साडी कंपनी ने एम्बेसी फीस पे की है, एम्बेसी फीस आप पे करते हैं, एक मुहिम है, ये मुहिम हैगी है विनय सर दी, विनय सर जो कि साड़ी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, पिछले साल 2017 तो जनवरी तो इन्होंने स्टार्ट किया, आप मुहिम स्टार्ट की थी कि कोई भी पहला पैसा आप तो पहले नहीं लवेंगे, भावें स्टूडेंट हो, और अज उ मुहिम आप विजिटर वीज़ा से भी लागू की है कि कोई भी पहला पैसा आप तो नहीं चार्ज करा, जिस तरह भी थोड़ी प्रोफाइल है तुम साढ़े ऑफिस विजिट करो, थोड़ी प्रोफाइल में देख के जांच के वो बाद साड़ी टीम तुम्हें सलाह देगी और थोड़े तो कोई पहला पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। भुपिंदर जी अज थोड़ा वीज़ा लग गया, तुम जो पहले आए थे तो थोड़ी एक उम्मीद सी, उम्मीद तो अच्छे नहीं सर? बहुत वाइया सर, सूँ बहुत माण आई थोड़े भी ने पूरा माण है जी, भी उन्होंने साडा वीज़ा बहुत वाइया तरीके लगवा बहुत। अच्छा एक आखिरी सवाल है, कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाए हो या कोई फेक डॉक्यूमेंट तुम बनाए हो? नहीं सर, जो साडे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आधार पर ही सानू वीज़ा। दर्शकों मैं यही अपील करना चाहता, सारे व्यूवर जो भी सानू देख रहे हैं, प्लीज़ कोई फेक डॉक्यूमेंट्स ना लाओ, एम्बेसी वालों कोई भी एजेंट अगर तुम्हें कहता है कि फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाने पाओगे, प्लीज़ उस चीज़ को सपोर्ट ना करो, भावें वो स्टडी एप्लीकेशन हो, भावें वो विजिटर एप्लीकेशन हो, साड़ी टीम वालों इस तरह की कोई
ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਕੇਸ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਰੈਡੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਰਟੀਐਸਟ ਕੋਂਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਊਵਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੈਸੇਜ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਈਵ ਵਿਊਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਆਖਰੀ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਸਰ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਸਰ। ਵਿਊਵਰਸ ਅਗਰ ਜੋ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਵਿਨੇ ਹੈਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰ 17D 'ਚ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, SCO ਨੰਬਰ 74-75 ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੰਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਨੋਰਮਲ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਟਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਟਫ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੋਰਮਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।